बिल्कुल सही। आलम की भी तीन किस्में हैं ना? जी जी। एक आलम रब्बानी है, आलम रब्बानी वो होता है जब उसके अंदर मनवर हो गया ना, नूर आ गया ना, जी जी जी, तो फिर वो मकनतीस लग गया ना। जी सर, जिस तरह मकनतीस पड़ा है, छोटे छोटे सुइयां फेंकते हैं और पकड़ता जाता है ना, कैच करता है ना, उसे इसी तरह जब यहाँ नूर के गोला आ जाता है ना, किसी के भी नूर में गोला आ जाए, या आम है या आलम है, जब आलम के दिल में नूर का गोला आ जाता है ना, फिर वो नमाज पढ़ता है ना, तो उसका नूर भी अंदर जाता है ना, नेशाए है। तो फिर वो कुरान पढ़ता है ना, तो फिर उसका भी नूर अंदर जाता है ना, तो फिर कहते हैं कारी नजर आता है, हकीकत क्या शान है, सुभान अल्लाह। अब कुरान मजीद को आप देखें, कहीं भी नहीं लिखा नमाज पढ़, वहां यही लिखा नमाज कायम करना। वो लोग नमाजें पढ़ते थे, अल्लाह ने फरमाया नमाजें कायम करो, नमाज पढ़ेगा सारी उम्र मुसलमान ही रहेगा, नमाज कायम करेगा तो आलम बा मन बनेगा, तो मोमन बनेगा। क्या नुक्ता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने क्या होता है, सारे नमाज पढ़ते हो ना, पढ़ते हो, किताब पढ़ रहे थे, बंद करी, खत्म हो गया ना, इसको खत्म क्यों करता है, कायम कर रहा नमाज को अपने अंदर बसाना, तेरा अंदर मनावर होगा, तेरे अंदर नमाज पर कायम रहेगी ना, हाय हाय क्या शान, कुरान पढ़ा तो उसका मीनू अंदर गया, ऐसे आलम की तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन। अगर कोई ऐसा आलम है ना, उसकी तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन। बेशक ऐसे ही आलमों ने काफिरों को मुसलमान बनाया। वाह, हुजूर पाक फरमाते हैं ना, ऐसे आलमों के लिए ये बनी इसराइल के नबी को मान अल्लाह। अच्छा, ये तो आलम हो गया ना बाम, इसको आलम रब्बानी कहते हैं, इसने जब हमको दीन सिखाया, काफरों को मुसलमान बनाया। और दूसरा आलम अल्लाह, उसने काफरों को मुसलमान नहीं बना सका, वो मुसलमानों में फिक्र फिरके बनाए ना, मुसलमानों को काफर कहा ना, वो दूसरा आलम जिस इसके सीने में कुरान, उसके हाथों में कुरान, इसके सीने में कुरान है और आलमे सू उसके हाथों में कुरान है, वो सारा दिन रात पढ़ता रहता है कुरान, लेकिन कुरान अंदर ही नहीं जाता है ना, वो अंदर गए तो उसको हिदायत देना, कुरान खुद फरमाता है उद्दलिल मुत्तकीन, मैं हिदायत करता हूँ पाकों को, वो जो पाक था ना आलम, उसको तो हिदायत हो गई ना, लोगों के लिए भी हिदायत बन गया, ये तो पाक ही नहीं था, कुरान इसके अंदर ही नहीं गया, कुरान इसके हाथों में है, सारी उम्र लगा रहा कुरान हाथों में, बस वो खोली नहीं बन सका, वो आलम बा मतलब पता नहीं क्या बन गया। उसके बाद तीसरा आलम, वो भी तुमको बहुत नजर आएंगे, उसने बहुत पढ़ा, वो अंदर ही नहीं जाता, बहुत पढ़ा अंदर ही नहीं गया, उसने फिर क्या किया, तो उस कुरान को बगलों में लगा दिया, टंगा के बगल में, टंगा के बगलों में दे दिया, वो अल्लाह को मिला नहीं, चलो कुछ ही मिल जाएगा ना, कुरान बगल में दे के जेब को भी नहीं देती, लेकिन उसका हक भी है ना, अल्लाह जो नहीं मिला चलो दुनिया से, उसके लिए बोले शाह ने फरमाया, खा के सारा मुकर गए जिन्हें बगल में कुरान,